हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम साबुदाना और पनीर को मिलाकर बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनाएंगे, जिन्हें की आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इन पकौड़ों को आप व्रत में बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं। इनका टेस्ट दूसरे पकौड़ों से काफी अलग है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये पकौड़े काफी क्रिस्पी बनते हैं और ठंडे होने पर भी काफी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए साबुदाना पनीर पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। हम एक बोल में 2 कप भीगा हुआ साबुदाना डालेंगे। साबुदाने को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। इसमें 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, 1 चम्मच किशमिश, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 चुटकी लौंग पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। नमक और मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 कप राजगिरा का आटा डालेंगे। आप राजगिरे के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। 1/3 कप मूंगफली का पाउडर डालेंगे। मूंगफली का पाउडर बनाने के लिए आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लें और उसका छिलका निकालकर उसको मिक्सर जार में पीस लें। सारी चीजों को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान ये रखें कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा होना चाहिए। बाकी का बचा हुआ दही भी हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप एकदम ताज़े दही का इस्तेमाल किया है। पकौड़ों का बैटर तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरीके का थिक बैटर आपको तैयार करना है पकौड़ों के लिए। इन पकौड़ों के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरीके की रखें। अगर बैटर पतला होगा तो फ्राई करते टाइम पकौड़े तेल में टूट जाएंगे। अब हम इस बैटर से पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। पकौड़ों को सेकने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम तेल में थोड़ा थोड़ा करके पकौड़ों का बैटर डालेंगे। अभी हम गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और पकौड़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे। ऐसा करने से पकौड़े तेल में टूटेंगे नहीं। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे। बीच बीच में हम पकौड़ों को हल्के हाथ से हिलाते हुए सेकेंगे, जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। पकौड़ों को हम बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। इन पकौड़ों को सेकने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर तेल हल्का गर्म होगा तो पकौड़े तेल में फैल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए और सेकेंगे, जिससे कि ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं। पकौड़े बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। इनको थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे तो इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। ये देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बनकर के तैयार हुए हैं। इनको हम एक प्लेट पर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए बैटर से आप इसी तरीके से सारे पकौड़े बना लें। हमारी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी साबुदाना पनीर पकौड़ा बनकर के तैयार है। आप इन्हें किसी भी फलहारी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।